आगे जन्नत तोज़ह का फैसला तो वहाँ जाके होना, यहाँ पे अपने बच्चों को लिए छोड़ के जाना नहीं जाना, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए। उससे बात भी की, वो काम भी किया, मेरी अकेले की नहीं औरों की भी बेशुमार शाहते हैं कि भाई ये करता है, फोन भी उठाते हैं और काम भी करवाते हैं। सारे काम लाजमी नहीं है कि मजीद भाई करवा देगा, कोई शौकत भाई भी करवाएगा, कोई और भी हमारे दोस्त है वो भी करवाएंगे, नीचे वाले भी करवाएंगे, लेकिन ये अपनी कोशिश पूरी करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको अपनी बिरादरी का सरदार सेलेक्ट किया और मुझे उम्मीद है सारी मेरी बिरादरी सेलेक्ट करेगी। ठीक है, और एक जो ये अजीम काम कर रहे हैं वो खैरपुर तक मौजूद था। कभी मेरे पास आए कोई 2 हफ्ते पहले, मुझे कहीं मिले मजीद भाई तो कह रहे जी कल जाना है वो आंखों के हौज कैंप का। तो मेरे भाइयों सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप जो है ना हर आराई भाई अपने नाम के आखिर में आराई जरूर लिखा करें। दूसरी बात यह है कि मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूँगा, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हम आपस में तो इकट्ठे हो जाते हैं। तकरीबन मुझे याद है कि हमने फैमिलीज का आज से 11 साल या 10 साल पहले कोई प्रोग्राम किया था, उसके बाद हमने फैमिलीज का प्रोग्राम नहीं किया था। तो मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि अपने मजीद साहब से भी डॉक्टर साहब से भी कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हमारी फैमिलीज भी उसमें शिरकत कर सकें, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है। बल्कि फैमिली के जब हम घर में बताते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ प्रोग्राम जो है बनाएँ। चाहिए भाई आज पता लगे बलोचिस्तान भारत है और वो जो डेरा इस्माइल खान के भारत है, पता लगे आज आराई कौम जान चुकी है। आराई कौम जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज जब चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान मैं कितने पर जीने आराई कौम सलामी कौम पाकिस्तान जिंदा रहो। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ कि आराई वेलफेयर अस्पताल 1997 में जब से इसकी बुनियाद रखी गई तो जिसके रूहे रवान साबर अराई साहब यहाँ मौजूद हैं, मियां शौकत अली अराई साहब यहाँ मौजूद हैं, बाकी भी सारी टीम यहाँ बैठी हुई है। किसी जात पात की तफरीक के बगैर डेली 2 से 250 पेशेंट आंखों का रोजाना चेक होता है, 150 से 200 पेशेंट जनरल ओपीडी में चेक होता है। हर हफ्ते तकरीबन 100 के करीब जो है वो लेंस आंखों के जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाले जाते हैं। मखदूम हक नवाज भाई आपकी मेंबरशिप हमारे दिलों में है, किसी बरादरी को आराई वेलफेयर हॉस्पिटल की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। हम सबका वहां पर जो है वो एक यकजा जो है वो एक बगैर लसानियत की तफरीक के जो है वो वहां पर इलाज मुआवजा और तमाम सर्विसेज देते हैं। हमारी जान भी आप तमाम बरादरियों के लिए हाजिर है। दोस्तों मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, मैं आज के इस अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज पे अंजुमन आराइयाँ मरकज़ अंजुमन आराइयाँ जो हमारी के सदर साहब हैं मियाँ शौकत साहब हैं, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सब बरादरी को ऐसे प्रोग्राम करना नसीब करे। हम भी अपने इलाके में इंशाल्लाह हर साल प्रोग्राम करते हैं, फैमिली के प्रोग्राम करते हैं। यहाँ भी बात हुई थी फैमिली प्रोग्राम की, तो हम तो हमेशा वहाँ फैमिली प्रोग्राम करते हैं। तो अभी थोड़ा सा लेट होगा, 1-2 साल इंशाल्लाह हम जल्दी कुछ नज़दीक में भी अपना फैमिली प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह उसी पैमाने पर, और सब दोस्तों को दावत भी देंगे। और जो खासकर हम पूरे सिंह बैठे हुए हैं, हम हमारे दोस्त बहुत डरते थे, मगर हम जब से हमने होश संभाला हमने अपनी फैमिलियों में नाम के साथ शनाख्ती कार्ड में आराई लिखवाया। और मैं यहाँ से ये भी कहूँगा कि जहाँ जहाँ आराई जाते हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड्स में आराई जरूर लिखवाएं, क्योंकि ये शनाख्त है। यहाँ से चीज उठती है, यहाँ तकलीफ करके 2 लफ्ज कह के मैं भी चला जाऊँगा, दूसरे दोस्त भी चला जाएंगे, मगर कोई उसूल तय करना उन पे अमल करना ये कामयाबी के राज होते हैं। हमारे जो कारीन हैं मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है वो भी चुन चुन के बनाई है कि उनके भी कोई बंदा। काबिल मोहतरम पूरे पंडाल हुए बनाने मनवाने खसूसी अब्दुल मजीद साहब को मैं खुशामदीद करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने इसी तरह ही अराइन बरदरी में तफाक और मोहब्बत रहा तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर नासर जैसे बच्चे हमारे हाथों के बच्चे हैं और इन्होंने जिस जज्बे से ये प्रोग्राम सजाया है मैं बोलता हूँ बहुत ही कम वक्त में ये बच्चों ने प्रोग्राम ऐसा सजाया कि और पूरी टीम खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं। हजरत यूसुफ ने एज्यूम किया, बादशाह को ताबीर बताई कि आगे जाकर ये मामला होगा और उसी वक्त हजरत याकूब के कबीले ने, उनके बेटों ने, उनके साथियों ने आके बताया कि फसल सही नहीं हो रही, क्या करें। हजरत याकूब ने बतौर जमींदार बादशाह की तरफ अपने बेटों को रवाना किया कि पूछो और मदद लेकर आओ। ये तमाम किस्सा लंबा है, इशारतन अर्ज है कि आप उसी खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, हमारे असलाफ उसी खेती बाड़ी से मारूफ हैं। फिर बतौर दीन मोहम्मदी के वारिस हम मजलूमों के साथी, हमारा कबीला अरब से चलता है, मोहम्मद बिन कासिम के सरबराही में यहाँ आता है और पूरे इस खित्ते को न सिर्फ आबाद करता है, खुराक के मामले में खुद कफील करता है। सरदार अब्दुल मजीद रानी स्टेज पे बैठन मुझे मोहसिन मुझे भाइयों वाले बाकी सबनी अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी थी दिया कि ऐसा ये बाकी सब लिख आयो आयो संजाई बाकी एक अमल प्रस्त कोमा सरदार अब्दुल मजीद अली साहब बड़ी मेहनत करी है पांच गाड़ी लाए सबनी के एक के दिन सरदार अब्दुल मजीद अली अल्लाह ताला का दुआ है कि सरदार अब्दुल मजीद राय साहब के सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ये अज़ीज़ो साहिब साहब हमेशा कायम दायम रखें। थैंक यू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरादरी है, हमारा सोशल मीडिया, हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट। मैं दावा करता हूँ, दावे से बोलता हूँ कि ना किसी सियासी तंजीम की इतनी इंफॉर्मेशन तेज होगी, ना किसी समाजी तंजीम की होगी, ना किसी बरादरी की होगी। मेरा ख्याल बात समझ में नहीं आई। सिर्फ 2 मिनट में हमारी इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान की हर अराई कम्युनिटी के बंदे तक पहुंचती है। इसके साथ और काम कुछ दोस्तों ने हमारी कम्युनिटी के बताए या नहीं बताए, लेकिन मैं थोड़े सी बातें तो सबने कर ली हैं। मैं भी सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ जो सफदर भाई अभी कह के गए हैं कि हम सबको मुत्तहिद होकर एक दफ़ा अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए ताकि हम किसी यूनिट में गिने जा सकें। हम अभी तक गिने नहीं जाते, कहीं भी हमारा कोई बदल नहीं बनता, इस वजह से कि हम लोग बिखर के सबके साथ चलते हैं, सबकी भलाई की खिदमत करते हैं। लेकिन एक मरतबा हमें कोई ना कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए कि हम इकट्ठे होकर अपना वजन शो ऑफ कर सकें और इंशाल्लाह ये सरदार सारी बातें ये सब लोग ये पहले कह चुके। मैं थोड़ा सा अराइन नाम और अराइन के लफ्ज़ के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा। अराइन लफ्ज़ जो है ये 2 अल्फाज अल-राई और अल-अरी की बदली हुई शक्ल है। अल-राई कबीला पाकिस्तान में और बड़े शरीर में हर जगह अराई मौजूद हैं और सब जबानें बोलने वाले सिंधी जबान, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, ताकि अफगानिस्तान में पश्तो बोलने वाले अराई भी हैं भारत में। बड़ी खुशी की बात है कि इस कन्वेंशन में सिर्फ और ही नहीं जो बरादरी के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, वो भी हैं। और ये अच्छी रवायतें हमारा मकसद भी तंजीम का बनाने का यही था कि बरादरी के प्रोग्राम से बाकी बरादरियों के साथ रब्ता किया जाए, जो जनरल सिंह के साथ अजीज साहब फरमा गए। मैं बेहद मशहूर हूँ चौधरी अरशद साहब का, मियाँ शौकत साहब का, चौधरी नजीर साहब का, साबर साहब का, शबीर भाई एक लाहौर का भी जो जिक्र कर गए, उनका भी मशहूर हो कि उन्होंने याद रखा। काफ़ी 4 साल कोरोना से पहले की ये बात है। तो शबीर भाई जान, ये पाकिस्तान की दिल लेबोरेटरी चौक पर प्रोग्राम था जिसका आपने जिक्र किया, और उसमें उस प्रोग्राम में जो भी आरई पाकिस्तान में बसते हैं, एक वो है जो मलिक लिखते हैं, एक वो आरई है जो मियाँ लिखते हैं, एक वो आरई है जो महर लिखते हैं, ऐसे भी आरई हैं जो चौधरी लिखते हैं। तो जो मैंने सुना है या पढ़ा है, तो ये मुख्तलिफ वक्तों में ये चौधरी, मियाँ, सरदार वडेरा जैसे हम रैस फाद खान को घर में रैस फाद खान कहते हैं, लेकिन यहाँ उसको मोहब्बत से चौधरी फाद खान को कहा रहे थे आपके सामने। वो तो पंजाबी तो क्या उर्दू का जुमला नहीं बोल सका, सिंधी में आपके सामने तकलीफ करके गया है, जबकि मलेशिया का पड़ा हुआ है जहाँ मजहर अली खान का बेटा है। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में जैसे मियाँ है, मियाँ के बारे में मैंने सुना है कि जब मुगल बादशाह लाहौर में आए थे तो शालामार जो बाग आप हम लोग सब घूमने जाते हैं, ये ज़मीन आरइयों ने मुगल को तोहफे में दी थी। और मुगल बादशाह उस वक्त जो थे, उन्होंने जिन्होंने ज़मीन दी थी आरइयों ने, वो मियाँ मुजतबा शुजाउर्रहमान वालों का ख़ानदान है, वो भी उस प्रोग्राम में था जिसका शबीर भाई जिक्र करके गए। तो उनको मियाँ का लक़ब दिया गया था। इसी तरह मेयर इश्तियाक वाले हैं भाई, MLA, MP मेयर वगैरह लाहौर पे बनते हैं। तो वो जो भी हमारी बरादरी के पाकिस्तान के मुख या थंब या पिलर, शबीर भाईजान उस प्रोग्राम में सब थे। उसमें सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, जो भी हमारी बरादरी के पाकिस्तान के अच्छे अच्छे तगड़े घरानों के, जिनके इस मुल्क में बड़ी खिदमत रही है, वो सबके सब उसमें थे। जिसमें मैंने उनको गुजारिश की थी कि मेरे अल्लाह का फरमान है, कुरान शरीफ की आयत जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने आपको बताई कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में कहा है कि इंसानों को दुनिया में लाया गया बरादरियों की शक्ल में, जैसे आप एक दूसरे को पहचान सको। तो ये बरादरी पहचान के लिए है, इसलिए गुजर लिखना, राज पर लिखना, सुलंगी लिखना, चाडियो लिखना अच्छी बात है, शनाख्त है। बाकी मैं और मेरी बरादरी अल्लाह के फजल और करम से बड़ी दीनदार बरादरी, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं मेरी बरादरी से, पीर अनायत जैसी शख्सियत गुजरी है जिनके बुल्ले शाह मुरीद थे, दोनों की पंजाब में लाहौर में पीर अनायत की मज़ार है, और कसूर में बुल्ले शाह जो हमारी दुनिया के पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी मज़ार है। उन्होंने आरइयों के ऊपर भी शायरी की है। तो बात यह है कि ये पहचान के लिए ही है। बाकी खुशी हुई मुझे आज इस प्रोग्राम में आके कि इस प्रोग्राम में सिर्फ आरई नहीं, आरइयों के साथ प्यार करने वाले भी हैं। आरई सिर्फ वो नहीं है जो अपने घरों में बैठे हैं, जो इस प्रोग्राम में नहीं है, बेशक वो लिखते हो आरई, लेकिन वो आरई नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर चांदी बैठा है आपकी दावत पे और एक आरई है वो अपनी दुकान चला रहा है, तो वो कैसा आरई है? तो बेहतर है कि उस चांदियों को बेहतर आरई समझो, जो आपका साथ दे, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी गमी खुशी में, आपकी परेशानी में आपका भाई बन के दिखाए, वही आरई है और वही चांदियों है, वही सुरंगी है, वही राजभर है। मेरा जो हाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह ने मेरे फोन में बैलेंस दिया, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। ऐसे भी इस मुल्क में लोग हैं जिनको फोन कॉल करने के लिए नहीं है, उनके फोन में बैलेंस नहीं है। ऐसे भी होंगे जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं होगा। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने मुझे लाइक किया कि मेरे फोन में बैलेंस है और मैं फोन उठाइन भी करता हूँ और बैक ऑन भी करता हूँ। बाकी इंसान पहचाना जाता है करदार से, किसी के बेटे या किसी के बाप से नहीं। इस बीमारी से निकलो कि ये फला का बेटा है, ये फला का भाई है, नहीं, इस चीज को नहीं देखो। आप जिस बंदे से मिल रहे हो उसके करदार को देखो, उसके अड़ोस पड़ोस से उसके बारे में चेक करो कि बंदा किस करदार का है। करदार के हिसाब से उसकी इज्जत करो, गाड़ी बंगला और ओहदे के हिसाब से कभी किसी की इज्जत ना करना। डॉक्टर साहब ने डॉक्यूमेंट्री चलाई पिछले साल की, ये बड़ी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब मरहूम आज से 17 साल पहले आई कैंप का सिलसिला शुरू करके गए थे, जो 2010 में वफात कर गए। तो मैंने मेरे भाई ने भतीजों ने उसको जारी रखा। इस दफ़ा जो 5, 6, 7 को आई कैंप हमारे घर पे लगी हुई थी वो 17 साल उसको हो चुके, लेकिन अपने बहादुर और प्यार करने वाले साथियों, भाइयों, दोस्तों से मेरी एक जो आई कैंप थी वो आज तकरीबन 10 से 12 आई कैंपें सिलसिले लगती हैं। और ये ऐसी पैना फ्लेक्स वाली आई कैंपें नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो अरशद साहब से जिक्र कर रहा था, मैं उनको कह रहा था कि 18-19 तारीख को अली रजा भाई की उमरकोट में आई कैंप लगी हुई है, तो आप मेरे साथ चलिएगा, विजिट कीजिएगा। क्योंकि जब तक बंदा जाके देखेगा तो वो समझ नहीं सकता कि वहाँ पे ऐसे ही डॉक्टर बनाया बिठाया हुआ है, शायद उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, चश्मा चेक करो, तो भाई तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आंखों के मर्ज वाला मरीज आता है वो मुकम्मल उसका इलाज होता है ऑपरेशन पर। और इस तरह की 10 से 12 आई कैंपें लगती है, उसमें 2 बरादरियाँ तो और हैं, एक बरादरी मेमोर है, एक बरादरी राजपर है। वो टोटल उनके घरों पे उनके पैसों से लगती है, लेकिन उसमें बोर्ड जो लगा होता है वो 12 राइयों का लगा हुआ होता है। तो वो जो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर हमारे सराकी भाई कर रहे थे, तो मैं उनको गुजारिश करूँ कि आपको अराई वेलफेयर अस्पताल में मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है भाई। वो इंसानियत के नाम पे बना हुआ खिदमत करने के लिए वो अस्पताल है, सिर्फ हवाइयों का थोड़ी है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से अगर अपना कुरैशी साहब ने, मखदूम साहब ने ये जिक्र किया, तो मैं इंतज़ामिया को भी गुजारिश करूँगा जो हवाई वेलफेयर अस्पताल चलाते हैं। मुझे पता है कि एक दो ही जैसे मियाँ शौकत या चंद 1-2 है, 2 जो है, बाकी तो जो बनाने वाले हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फ़िरदौस में जगह दे। जो इंतज़ामिया है, जैसे इधर साबर साहब भी बैठे हैं, मैं इनको गुजारिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के हिसाब से इस्तेमाल करें। कभी भी इस हॉस्पिटल को किसी तंजीम, किसी सियासत या किसी को अजरक टोपी बनाने की ये जगह ना बनाए। सियासत करने के लिए आपके पास पूरा मुल्क पड़ा है, वहाँ जाके करें। ये मेरा ख्याल है कि तंजीमें आई हैं, फॉल होने के बाद, फंक्शन होने के बाद 4थी इलेक्शन आ रही है। कभी इलेक्शन में किसी दोस्त को नहीं कहा कि आप किसको वोट दो। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरे प्यार करने वाले बरादरी वाले दोस्त रहते हैं, उन्होंने किसी ना किसी को वोट तो देना है ना, लेकिन वो फैसला खुद करें। उनका फैसला मैं नहीं करता, ना मेरा कोई दोस्त करता है, ना मेरी एग्जेक्टिव बॉडी करती है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे प्यार करने वाले जो जमीन साहब जो भी इतना बड़ा बात करके के चले गए थे, ये हमारे दिलों के सरदार है। ये चौधरी जुल्फकार का बेटा है, कभी आते जाते बाय रोड कराची से पंजाब की तरफ या सक्कर की तरफ जाना हो तो ये जो आपका हैदराबाद बाईपास बना हुआ है, ये दोनों की दोनों साइडों पे 1000 एकड़ जमीन का मालिक के खानदान का बेटा ये 4-5 इसकी वहां पर अपनी जमीन में सोसाइटियां हैं। इसकी मोहब्बत है कि वो एक मुझे से फकीर आदमी को, मस्कीन आदमी को, मैं तो इतने बड़े बाप का बेटा नहीं जैसे अभी दिल की बात जैसे अकरम ने कर दी, क्योंकि अकरम से मैं प्यार करता हूँ। कोई नहीं है भाई, हुए किसी किसी जगह पे जैसे स्टैंडिंग भी हो सकती है, मिस खबर भी हो सकती है, तो मुझे अंदाजा था, मुझे पता था कि इसको किसी ने मिस गाइड किया, मुझे पता था मेरा फ़ोन इसको जाएगा तो ये वैसे ही पानी पानी हो जाएगा। मुझे इसके प्यार का तो मुझे पता है जितना मुझसे प्यार करता है, तो हो जाती है भाई, उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंसान का बात देखे, इंसान रुतबे ना देखे। जैसे देखे मैंने आपको भी चौधरी की बात कर रहा हूँ, चौधरी जमील साहब की जो तंजीब का सदर, अल्लाह ताला ने उसको सब दिया, उसके बावजूद भी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इज्जत देता है। जब तक मैं तो माली तौर पर उसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका मैनेजर में से ज़्यादा मालदार हो, सच तो ये है। लेकिन वो दौलत के साथ तो नहीं चौधरी मुझे तोड़ना, हो सकता है उसको मेरी पैदा पसंद आ गई होगी, इसलिए वो मुझे दिलों का सरदार कह रहा है, जबकि मैं सरदार वगैरह इन चीज़ों को सबको नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अब्दुल मजीद नाम है अल्लाह का बंदा, सिर्फ जिसका भी नाम, मेरा सिर्फ नहीं, दुनिया में जिसका भी नाम अब्दुल मजीद, अब्दुल अजीज, अब्दुल वहीद, अब्दुल रहमान, उसका नाम पूरा लिया करो, उसको सिर्फ अजीज या रहमान ना किया करो, कहते गुनाहगार होते हो। अब्दुल मजीद पूरा नाम लिया करो, ये अरबी लफ्ज़ है अल्लाह का बंदा। तो अकरम भाई उठ के आए मेरे पास, आके मुझे कान में कह के चले गए वो बात के भाईजान, वो लेडीज़ जो फीमेल वाला फैमिली प्रोग्राम है वो मेरे जुम्मे, मेरे खर्चे पे, बस आप सिर्फ अब्दुल अजीज़ को कहते मियाँ अशर के साथ रास्ते में आए, क्योंकि दोस्तों की ये जो ख्वाहिश है कि फैमिली प्रोग्राम होना चाहिए, पहले होते थे, कोरोना की वजह से नहीं हो सके, तो वो मैं बजाय अब्दुल अजीज़ को फ़ोन पे कहता, अभी आपके सामने स्टेज से कह रहा हूँ कि वो आपकी दावत पूरी बरादरी मुझ समेत चौधरी अकरम साहब कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन गुजर जाए तो उसके बाद इलेक्शन का सीज़न है, इस सिलसिले में चौधरी नज़ीर जैसी शख्सियत है, चौधरी अशर साहब है, चौधरी अब्दुल गफार है, मियाँ शौकत साहब है, साबर साहब है, मैं इन दो भाइयों को कहूँगा, आप बुजुर्गों को ये आपस में बैठे अपनी मीटिंग करें। जैसे वो एक बात कह रहे थे लेकिन जिसकी मदद करो तो उसको नज़र तो आए, तो आपस में मुशावरत करके जिसकी मदद करना चाहते हो उसको पता लगना चाहिए कि उसकी आपने मदद की है, और जिसकी मुखालफत करना चाहते हो उसको भी पता लगना चाहिए कि आराइयों ने हमारी मुखालफत की है। ये बीच वाला रास्ता किसी काम का नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। कुछ लोगों को शौक होता है बीच का रास्ता लेने का, बीच वाला कोई रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ता होता है कि आपके साथ है, आपके साथ नहीं है। भाई या नाराज नहीं होता, खाना खिलाते हैं आपको, टोपी अजरक पहनाते हैं आपको, लेकिन यार वोट का छोड़ो, वोट इस दफा हमने फला दोस्त के साथ कमिटमेंट कर दी थी, अगली दफा देखेंगे। तो जिसकी मदद करो उसको भी पता होना चाहिए, जिसकी ना मदद करो उसको भी पता होना चाहिए कि आपकी मदद नहीं हुई, तो फिर जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। तो वो मैं आपको यही गुजारिश करूँगा, जो मेरे यहाँ मौजूद भाई हैं वो आपस में बैठ के अपना फैसला करें कि वो किस कैंडिडेट की मदद करना चाहते हैं। हमने जो भी इस थोड़े से अरसे में छोटे मोटे काम किए वो हमारी बरादरी के लिए नहीं किए। कोई भी दोस्त इस चीज़ को चेक करना चाहे, ये पूरा सूबा सिंध है, जाकर चेक कर सकता है कि हमने कपड़े बांटे तो कहाँ किनको दिए, हमने राशन दिया तो कहाँ किसको दिया। जरूरत मर्दों को जिनको हम जानते हैं ज़ाती तौर पर, क्यों ये हुक्म है, हमारे मजहब में भी ये हुक्म है कि पहले अपने, फिर पड़ोसी, फिर यतीम। तो हम जो भी आपस में दोस्त हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अल्लाह ताला ने वो मुझे ऐसे शेर दिए हैं। तो ये इतनी देर से बातें तो मेरी कर रहे थे, मैं तो रहता हूँ इस्लामाबाद में, असल में काम करने वाले ये हैं, कोऑर्डिनेशन मैं इनके साथ जरूर करता हूँ, लेकिन चौधरी जमील सदर से लेके तंजीम आलिया के तालके के सदर तक कोई ऐसा ओहदेदार नहीं मिलेगा जो लेने वाला हो। सब के सब अल्लाह की मेहरबानी से देने वाले, मदद करने वाले वो दोस्त पूरे सिंध में हमने उनकी तंजीम बनाई, उनको एक पहचान के लिए ओहदे दिए। बाकी तो मैं चौधरी जमीर, अब्दुल अजीज, ज़फ़रुल्लाह जैसे, ज़फ़रुल्लाह चौधरी सैफुल्लाह का बेटा है, इधर जो बैठे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि चौधरी सैफुल्लाह सिंध में, अल्लाह उनको जन्म में जगह दे, सिंध में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आ रही हो जो उनको नहीं जानता होगा, जितनी उसकी इस सूबे में उनकी खिदमत है, लेकिन वो भी प्यार करता है। तो ये एक प्यार का सिलसिला है, उस प्यार के सिलसिले में कोई पग बंधवा रहा है, मैं मशहूर हूँ, उनका एहसान बंद हूँ। चौधरी नज़ीर का अभी मुझे कान में कह रहा था कि ये पहले तो एक घंटा इस बात के ऊपर फटा चलता रहता है, वो इन्होंने वो, मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, वो मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, ये मैंने कहा ये चाहिए मुझे, अब ये पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता। मुख्तलिफ मतलब पके होती हैं। तो मुझे अभी कहा मैंने कहा इनको कहा उधर जाओ, उधर तक मुझे फोटो भेजो, दिखाओ, फिर मैं जो पास करूँगा वो लेके आनी है। तो रात को जिनको बताया, तो ये आपकी मोहब्बत है, हम आपस में भाई है, एक दूसरे के हमें काम आना चाहिए, एक दूसरे की गमी खुशी में हाथ बटाना चाहिए। आप लोग की मोहब्बत है, प्यार करते हैं, इज्जत दी, यहाँ बुलाया, आप लोग से बात करने का मौका मिला, आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, इसी तरह ही एक दूसरे की मदद होती है। काबिल तारीफ है डॉक्टर नासर की पूरी टीम, किस किस का नाम लो जो रात को 1 बजे 1:30 बजे तंबू में चढ़े हुए थे। ये फरैज फवाद खान आराई, मदद अली खान का बेटा, और वो समद आराई आए, इसी वजह से इनको तो कोई दावत भी नहीं थी। हाँ, उसमें जरूर कार्ड में लिखा हुआ था दावत आम, लेकिन वो जो बम्बू तंबू वो पता नहीं क्या क्या लेके घूम कर रहे थे, बांस के लकड़े, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहे थे, जैसे सफदर साहब कह रहे हैं कि हमारे वो सोशल मीडिया वाला इतना मजबूत नेटवर्क है कि अभी कहा में साबर साहब मुझे वो बच्चे का दिखा रहे थे, वो चल गया जो बच्चा जिसकी मदद के लिए कह रहे थे, तो मैंने उनको आसफ ने कहा, मैंने कहा ये वो सिंधी में एक मिसाल देते हैं कि डुक्कर वाले साल संभले, डुक्कर वाले साल संभले, कि बिदली मुझो इसका आपको उर्दू बता दो कि किसी ने पूछा किसी बंदे से कि जब कहत पड़ी थी तो आप उस पर इतने हो गए ना कि आपको पता लगे कि कहत पड़ी हुई है, तो उसने कहा डाली हुई मेरी थी जो कहत डाली। तो मैंने अभी साबर साहब को कहा भाई जान ये फैलाई हुई है हमारी है, मुझे क्या दिखा रहे हो। मैंने कहा उसके बच्चा जिसका बच्चा जल गया है, जो बुजुर्ग उसका बाप है, उससे अब दोबारा जाके मिलिएगा, वो आपको बताएगा कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, तो वो आपको बताएगा जी हाँ एक अल्लाह के बंदे का नाम, उसका अब्दुल मजीद उसका नाम था, उसका फोन आया था, उसका बंदा भी आया था, लेकिन उसने अपना या अपने बंदे को कहा जिक्र नहीं कर रहा है, ऐसे फैला दो कि ये बच्चा जल गया। तो कहते हैं उनकी बहुत मदद हुई है, उनकी बड़ी हेल्प हुई है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसका हबीब जिन्होंने उस बच्चे की जले हुए की मदद की, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। शुगर मेरी भी लो हुई हुई है, आप लोग भी थके होंगे, आप लोग का एहसान मंद हूँ, आपने बुलाया, इज्जत दी, प्यार दी, सलामत रहे। मेरे लिए जो भी हुक्म हो, जो खिदमत हो, जो मेरे पास में हो, मैंने हमेशा किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। और ये सिर्फ आराइयों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए जो भी दोस्त समझे मुझे किसी लायक, मुझे डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकता है, मेरे यहाँ जो तंजीमी ओहदेदारान हैं, जो मेरे भाई दोस्त हैं, किसी को साथ रब्ता कर सकता है। जो हाल होगा, मेरा घर इस्लामाबाद में है, बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रहता हूँ, बेसिकली जिले खैरपुर मिरज का हूँ, कराची भी आता जाता रहता हूँ, इधर बिजनेस छोटा मोटा मेरा है, दाद दलिया लगाता रहता हूँ। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, बड़ा एहसान, आप लोगों ने बड़ी खामोशी से मुझे सुना भी सही और इज्जत भी दी। अल्लाह आपको सलामत रखे।